हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिष्का रियल लाइफ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम का समय हो रहा है और बहुत लेट हो गया है, सबको भूख लग गया था, सबको मतलब आरब और अमिष्का को, हमको, क्योंकि हस्बैंड जी घर पे नहीं थे, ड्यूटी में थे। तो हम थोड़ा सा चटपटा मतलब नाश्ता बना रहे हैं, झाल मुढ़ी। तो आरब बोला कि झाल मुढ़ी बना दो, तो मिक्सर भी लेकर के आया। ज़्यादातर मिक्सर हम लोग खाते नहीं हैं क्योंकि गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है और इसी वजह से मिक्सर हम घर पे नहीं रखते। बाकी सब रहता है, गठिया वगैरह ये सब रहता है, लेकिन मिक्सर नहीं रहता है। तो अभी प्याज हुआ छील करके बढ़िया से, तो इसमें हम डालेंगे मूढ़ी है, मिक्सर है, थोड़ा अंकुरा हुआ चना है। पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे, हम अंकुर गया था बहुत अच्छा चना। तो और आधा टमाटर भी डाल देते हैं, और अरब को पसंद आता है तो टमाटर डाल दिए थे, नहीं तो वरना टमाटर नहीं डालते हैं। और इसी तरह हम सब एक एक करके हम काट ले रहे हैं बढ़िया से। और इसमें जाएगा एक ये क्या बोलते हैं, अचार का मसाला जाएगा थोड़ा सा, और हरा मिर्चा नहीं डालेंगे क्योंकि अमिष्का भी खाएगी और आरब भी खाएगा। तो अचार का मसाला थोड़ा तीखापन है, मिक्सचर भी थोड़ा तीखापन है, तो मिर्चा डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम लोग खाना रहता तो हम लोग डाल देते, मगर हम और अमिष्का भी साथ में ही मेरा खाती है, इसी वजह से हम मिर्चा को हटा देंगे, मिर्चा नहीं डालेंगे। और तो भी ये बहुत ही चटपटा बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि अचार में थोड़ा सा तीखापन है ये, क्योंकि ये मिर्चा का ही अचार है। तो उतना हम इसका भी खा लेती हूँ, उतना ज़्यादा भी मतलब नहीं लगता है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा हम काला नमक भी इसमें मिक्स कर दे रहे हैं, काला नमक का टेस्ट अच्छा आता है। तो इधर देखिए मिक्सर लेके आया था अरब, 10 रुपये का। और चाय हम पी लिए थे, और ये मूढ़ी और मिक्सर दोनों साथ में ही मिला दिया था अरब। और ये मम्मी दी थी मूढ़ी अपना, मतलब लाई हुई थी कहीं से। और समझिए कि मम्मी मम्मी का एक चीज़ आदत है, थोड़ा अपने लिए भी, मतलब कोई इनको देता है तो सब ये बेटी लोग को दे देती हैं, थोड़ा छोटा छोटा, कि सबको मिल के खाए। तो मूढ़ी बोलते हैं जहाँ से कुछ भी मिलता है, मतलब ज़्यादा मिले या तो पसंद किसी को आता है कोई चीज़, तो क्या होता है कि मम्मी ला करके इधर दे देती हैं, हम लोग को भी देती हैं, सब बाकी सब बहनों को देती है। तो हम नमक के लिए टेस्ट कर रहे थे, तो नमक एकदम बराबर था, तो हम इधर अरब को भी दे दे रहे हैं कटोरा में। और उसको भूख लग गया था, और तभी से बच्चा बोल रहा था, क्योंकि ट्यूशन का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसी वजह से टाइमिंग हो गया था, वरना हम उसको पहले देते, क्योंकि खेल खेल के ही लेट से आया हुआ था और ट्यूशन पढ़ने में टाइम अथी हो गया, इसी वजह से फिर लेट हुआ। तो इधर से हम इधर आ गए इस रूम में, और बैठ करके हम लोग खाएँगे अपना। और इधर आरा भी टीवी चालू कर लिया था, और हम मतलब इंट्रो यहाँ दे रहे थे। तो क्या हुआ था ना, एक्चुअली मैं आवाज़ मतलब वॉइस क्या हुआ था, अरब टीवी चालू कर लिया था, इसी वजह से सुनाई नहीं दे, सुनाई भी देता तो भी नहीं, कॉपीराइट आ जाता, इसी वजह से वॉइस को बंद करना पड़ा और अपना वॉइस को स्टार्ट करना पड़ा हमको। तो बहुत अच्छा से अमिष्का भी खाती है, क्योंकि उसको चटपटा इसी तरह पसंद आता है, अपने से खाना चाहती है वो, क्यों खिलाते हैं तो भी मुँह में नहीं लेती है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आप लोग को यही वीडियो में सुनने को मिलेगा, दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि आप लोगों को बाद में दिखेगा। मेरा मोबाइल मतलब समझिए कि ख़राब होने तक पूरा हो गया है पूरी तरीके से, क्योंकि स्क्रीन अमिष्का 2-3 बार पटक चुकी थी बहुत पहले से, और लास्ट टाइम पटकी तो मतलब अंदर से ग्लास जो होता है वो टूट गया है, स्क्रीन गार्ड होता है, अलग था डिस्प्ले भी लगभग, मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं चलेगा वो, पूरा तरह से लाइन अप लाइन स्क्रीन आ गया है। और अच्छा खासा 5G इसका दाम भी अच्छा लिया था मोबाइल का, अमाउंट बताएं तो आपको ये 22 या 23 हज़ार का मोबाइल है मेरा जो हम इस्तेमाल करते हैं। और सैमसंग का है, इसका ग्लास का मार्केट का रेट बताएं तो 12 हज़ार है। और ऐसे ऑनलाइन चेक किए थे हम लोग, तो एक बार सर्विस सेंटर में ही बनाना चाहते हैं, अदरवाइज़ हम कहीं और बनाना नहीं चाहते हैं, यदि बना पाएँ तो ठीक है, वरना फिर नया लेना पड़ेगा। और यही है कि अब मोबाइल मेरा, मतलब देखिए क्या होता है कि अभी चल रहा है वीडियो, शूट हो जाएगा किसी तरह, और आगे चल के ज़्यादा ख़राब होगा तो वीडियो थोड़ा दिक्कत होगा हमको, क्योंकि जल्द से जल्द मोबाइल लेना पड़ेगा। और अभी तो हम लोग का इतना बजट डगमगा गया है कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शादी आप लोग देखे होंगे, शादी में काफ़ी सारा खर्चा हो गया है, और अब मोबाइल मतलब जो भी लेंगे तो लगता है बजाज फाइनेंस से ही लेना पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड से ही लेना पड़ेगा, वरना फिर दिक्कत होगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और देखते हैं, यदि प्रयास होगा सर्विस सेंटर में कम बजट में बना दे तो ठीक है, नहीं बनाए तो उतना पैसा दे करके ग्लास को चेंज करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। और एक बार बात करेंगे, जा करके जाना पड़ेगा 4 आवर जा करके बात करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसका कैसे खाती है, हाय भी बोल रही है आप सभी को, आप लोग भी हाय बोल दीजिए। तो ये अपने अपने देख रही है कि वीडियो चल रहा है, तो इधर देखिए कैसे खा रही हैं, और आरा भी नाटक करके खाता है, वैसा ही लड़का ऐसा ही वो खाता है। और
अब देखते हैं आगे क्या होगा। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं कल जैसे इनका घर आने से पहले मतलब अचानक अपना मतलब जैसे मोबाइल में अचानक वो चीन आने लगा, लाइन प्लाइन मारने लगा। हमको लगा कि शायद लगता है कि टच में कोई प्रॉब्लम हुआ तो ऑन ऑफ़ किए हैं तो भी नहीं जा रहा है। तब इनका इनको दिखाएं तो ये बोलें कि गया मोबाइल, पर खैर बोले कि जाने दो, इसका शायद लगता है आयु कम ही था और कम ही होने वाला है। तो ये मोबाइल का लगभग 1.5 साल 2 साल होने वाला है और 1 साल से ज़्यादा हम लोग का मोबाइल चलता भी नहीं है घर में। और हम इसका तो एक तो और LG मोबाइल था, वो भी नया खरीदे थे, उस 6 महीना ही हुआ था, वो नया था टच, और उसका भी इसी तरह डिस्प्ले ऐसा ही उड़ गया। वो दांत से दबाती थी इसी वजह से नीचे से डिस्प्ले उड़ गया, वो भी डिस्प्ले टच दोनों ख़राब हो गया। तो इसी वजह से वो ऐसा ही पड़ा हुआ है, नया ही रखा हुआ है, एकदम देखने में ही ऊपर से देखा होगा तो एकदम लगता है कि एकदम नया जैसा लगता है। और अभी पता नहीं क्या डिसीजन लेना है, क्या लेना है, अभी तो कोई डिसीजन नहीं लिया हम लोग, नया मोबाइल के लिए हम सोचे भी नहीं हैं। और देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ना तो और वीडियो भी शूट करना है, वही प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा अधिक ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो फिर वीडियो नहीं आ पाएगा, ऐसे हो सकता है। तो इधर हम खिला दिए थे, हम इसका भी खा ली थी यार, अभी इधर खा ही रहा था। और इसको जल्दी सोना भी पड़ता है, 5 बजे भोर उठना पड़ता है। इधर देखिए टीवी देख रहा था, इसी वजह से हमको वॉइस ओवर को म्यूट करना पड़ा, वॉइस को म्यूट करके इधर करना पड़ा। इधर मेरा दूध भी चढ़ा हुआ, चाय भी हम पी ही लिए थे। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आप लोग